तो यार बच्चे मन में तो ये सोच रहे थे कि यार मार्च अटेम्प्ट है उसके लिए पढ़ लेते हैं, रिजल्ट का क्यों वेट करना ये वो। लेकिन एक्चुअल में बच्चा करे तो क्या करे, रिजल्ट आएगी तभी तो एकदम क्लियरिटी मिलती है ना, वरना माइंड बार बार उसी चीज़ में चला जाता है कि यार रिजल्ट है रिजल्ट है रिजल्ट है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा टॉप कमेंट्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स ले लिए हैं जो आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते में चैनल के ऊपर में करे हैं। कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे जिनके मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिए हैं जिसमें से सबसे पहला कमेंट है हमारे पास में बायो इन माय पॉकेट का। कह रहे हैं नीट का हूं फिर भी व्यू देता हूं, मेरे वीडियोस को वो व्यू करते हैं भले ही वो नीट के हैं, उनको जेई का कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो जेई के कॉन्टेंट को भी, मेरे कुछ दूसरे कॉन्टेंट आते हैं उन पर भी वो उसको देखते हैं व्यू देते हैं। तो थैंक यू सो मच यार, ऐसे जितने भी लोग हैं जो चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, एज अ फैमिली चैनल को समझते हैं एंड यू नो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो एक लाइक के फॉर्म में हो, चाहे वो व्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो एक शेयर के फॉर्म में हो, सब्सक्राइब के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास में सुदीक्षा का, कह रही है इवन इन एरोगेंस सर नेवर हर्ट अदर पीपल, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछले टॉप कमेंट में बोला था कि मैं भी कभी कभी एरोगेंट हो जाता हूं, गुस्सा हो जाता हूं, एंग्री हो जाता हूं, बट आई मेक श्योर कि मैं मेरे वजह से किसी का मैं नुकसान ना कर रहा हूँ। अगर सामने वाले ने मुझे कुछ चोट नहीं पहुँचाई है तो मैं भी मेक श्योर करता हूँ कि मेरे वजह से किसी को भी मैं चोट ना पहुँचा दूँ जाने अनजाने में। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में, खैर अनजाने में पहुँचेगी तो कर भी क्या सकते। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है हाइड्रा गेम यूट्यूब का, कह रहा है वे यू से ऑल राइट रियली मेरी हंसी छूट जाती है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है ऋषभ गुप्ता का, कह रहे हैं ये शॉर्टकट है या लॉन्ग कट। तो ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के ऊपर में कमेंट आया था, लेटेस्ट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो वीडियो थी चैनल पे, बेटा देखो वो शॉर्टकट ही था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर 10 मिनट की वीडियो है उसमें मैं दो क्वेश्चन समझा रहा हूं तो ऑन एन एवरेज मुझे 5 मिनट आपको एक्सप्लेन करने में लगा पर क्वेश्चन, बट एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लगता है तो सॉल्व करने में वो 2 मिनट या 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, कई बार तो और जल्दी हो जाता है लेकिन आप समझ सकते हो कि एवरेज एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलता है 2-2.5 मिनट का। अगर मान लो 5 मिनट लग भी गए तो क्या हो गया, आप तो वैसे भी क्वेश्चन छोड़ ही रहे थे ना, अगर आपको आता होता तो आप उसको कर ही लेते 2 मिनट में। अब छोड़ने के बदले 2 मिनट और डाल के उसको सॉल्व कर लो ना। जो बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है उसको टाइम की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा एवरेज है पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहा उसके लिए टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप कोई टॉपर बच्चे हो जो एकदम फुल अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप वैसे भी कर लोगे सॉल्व, आपको ट्रिक्स की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। राइट, ट्रिक्स की तो जरूरत तब पड़ती है जब आपको या तो टाइम सेव करना हो कभी, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्व करना हो। ठीक है, इस तरीके से। राइट, या फिर क्वेश्चन ही ऐसा हो जो ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट कमेंट हमारे पास में है जिया का, कह रही है थैंक्स अलॉट सर, मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ खास अच्छे से हो नहीं पाती बट ट्रिक्स देख के लगता है अगर अभी प्रैक्टिस अच्छे से करें ट्रिक्स और नॉर्मल वे दोनों से तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस कभी छोड़ के नहीं आएंगे। ये बहुत ही सही बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, अगर आप इस चैनल के फॉलोअर हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको कभी छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जे एडवांस्ड हो, अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इस चैनल के मेहमान हो या इस चैनल के फैमिली मेंबर हो या कुछ भी हो तो, राइट फॉलोअर हो तो। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है जेड लेवल का, कह रहे वाह भाई वाह मौज कर दी एकदम हैवी ट्रिकर। सो यार थैंक यू सो मच यार, आपका कमेंट भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है हीट पटेल का, कह रहे हैं हीट पटेल व्हेन इंजीनियर ट्राई टू बिकम सिंगर। तो यार मैं कभी कभी क्या ट्रिक्स विक्स बनाते बनाते थोड़ा गाने के मूड में आ जाता हूँ, थोड़ा उस मूड में आ जाता हूँ, तो वैसा ही कुछ हुआ था पिछले ट्रिक्स वीडियो में, शायद मैं कुछ यू नो गाने की टोन में मैं एक्सप्लेन करने लग गया था तो उसी पे कमेंट था। थैंक यू सो मच यार फॉर कमेंटिंग ऑन द चैनल। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है डार्क शेड का, कह रहे हैं जस्ट वांट टू से वन थिंग, एवरीथिंग इज गुड बट यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड रियली बिकॉज आई वॉच्ड इट इन 1.25 स्पीड, सो प्लीज वर्क ऑन इट। तो ये कमेंट आया था अंजलि मैम के वीडियो पे जो कि जेई मेन का एडमिट कार्ड हो गया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को। तो आपकी बात बिल्कुल सही है अंजलि मैम, थोड़ा सा स्लो बोलती है लेकिन आई वॉज जस्ट कैलकुलेटिंग वन थिंग कि वो जो वीडियो थी वो एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि एडमिट कार्ड आ गया है और वो 22 सेकंड की वीडियो थी। तो 22 सेकंड की वीडियो में अगर आपने 1.25 स्पीड मतलब आपने 0.25 अपना टाइम सेव किया है, मतलब 22 सेकंड में आपने कुछ 5-5.5 सेकंड सेव किए हैं, मुझे लगता है उतना टाइम तो आपको स्पीड चेंज करने में लग गया होगा।
ठीक है, बट एनीवेज आई अंडरस्टैंड कि हाँ वो थोड़ा सा जो है स्लो बोलती है, हर इंसान की बोलने की स्पीड अपनी अपनी होती है, वो विद प्रैक्टिस आता है। एकदम से जब आप टीचिंग करते हो ना तो वो 2-3 साल का टाइम लगता है कि आपका ऑनलाइन में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। ठीक है, तो गिव हर टाइम, ठीक है, कुछ और 1-2 साल के अंदर अंदर उनकी स्पीड जो है मेरे जैसी हो जाएगी। मैं भी जब पहले पहले बोलता था ना, मैं बहुत स्लो बोलता था, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है ए बी का, सर प्लीज रिप्लाई, इफ सर्टन चैप्टर्स हैड मोर वेटेज इन फेब्रुअरी अटेम्प्ट, डज दैट मीन दैट विल हैव मोर वेटेज इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स। ऐसा गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि अगर आपके अटेम्प्ट आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी आपके जो फेब्रुअरी में ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स तो उनके ज्यादा रहेंगे, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट एकदम 100% इसकी गारंटी नहीं होती है। 80-85% आप इसको गारंटी की तरह से मान सकते हो। अनुज महाजन का कमेंट है, इंतजार करने का भी अलग ही मजा है, आज एक्सपीरियंस करा रहे बाबा। तो यार ये जेई मेन का रिजल्ट के लिए सब लोग वेट कर रहे थे मेरे साथ, है ना, और हम लोग लाइव भी थे, काफ़ी देर बाद रिजल्ट आई, ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद रिजल्ट आई थी, डेडलाइन से। तो यार यस, सबर का फल मीठा होता है, इंतजार करने में भी एक किक मिलती है, एक मज़ा आता है, यू नो पेशेंस, पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी पेशेंस है। नेक्स्ट कमेंट है जिया सिन्हा का, कह रही है रिजल्ट आने के बाद भी तो आधे घंटे वेबसाइट डाउन ही रहेगी, आधे टाइम वेबसाइट डाउन रहेगी, पता नहीं मार्च रिजल्ट्स में तोड़ने के लिए घर में कुछ बचेगा या नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन थी बहुत सारे लोगों की, हालांकि ये अभी इनको एग्ज़ाम देना अभी बाकी है, अगले साल देंगी जिया एग्ज़ाम, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन सारे लोग ही देख रहे थे, जो भी लोग चैनल को फॉलो करते हैं, एंड उसी पे कमेंट था कि यार अभी फेब्रुअरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, फिर वेबसाइट भी डाउन रहती है काफ़ी टाइम तक, तो बच्चे ऐसे ही परेशान हैं, फिर आगे मार्च अटेम्प्ट की परेशानी है, अप्रैल अटेम्प्ट की परेशानी है, मई की परेशानी है, एडवांस की परेशानी है, बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों को है, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों के साथ, हर मोमेंट पर खड़ा रहूँगा। आरती कह रही है ओहो बहुत हार्ड, बाय द वे एडिटिंग मस्त है सर जी, थैंक यू सो मच यार, ये वो एक मीम वीडियो है, ठीक है, मैं देखा यार माहौल ऐसा है, और मैंने देखा कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं जो मीम बना रहे हैं और बच्चों को काफ़ी रिलेट हो रहा है, तो मैंने भी सोचा चलो बना देते हैं, सिर्फ 20 मिनट में मैंने वो बनाया था काफ़ी जल्दी जल्दी, और वो एक अच्छा बन करके आ गया था। तो मीम वीडियो है, अभी रिसेंटली अपलोड करी थी चैनल पे, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, टाइटल है वायरल मीम वीडियो जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, जो वेट कर रहे थे, और नीट के लिए भी फिर मैंने सेम उसी टाइप का निकाला है, किसी बच्चे ने डिमांड करी थी कि सर नीट का भी बना दो। तो नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट कमेंट है देवेश शर्मा का, कह रहे हैं हमें इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मार्च अटेम्प्ट में भी मुश्किल से 1 वीक बचा है, ले मी हु हिमसेल्फ इज वेस्टिंग टाइम टू वेट फॉर रिजल्ट एंड गिविंग अदर्स एडवाइस। तो यार बच्चे मन में तो ये सोच रहे थे कि यार मार्च अटेम्प्ट है उसके लिए पढ़ लेते हैं, रिजल्ट का क्यों वेट करना ये वो, लेकिन एक्चुअल में बच्चा करे तो क्या करे, रिजल्ट आएगी तभी तो एकदम क्लियरिटी मिलती है ना, वरना माइंड बार बार उसी चीज़ में चला जाता है कि यार रिजल्ट है रिजल्ट है रिजल्ट है। तो वही बच्चे ने खुद का ही रोस्ट किया, पहले उसने कहा कि यार एडवाइस दे रहा है, और फिर खुद ही कह रहा है यार मैं खुद ही ये काम कर रहा हूँ, मैं खुद ही रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग इस तरीके से कमेंट्स करते हो, चैनल पर जुड़े रहते हो, जुड़े रहा करो, हर संडे को हमारा टॉप कमेंट्स आता है, वीक आप लोग जो भी कमेंट्स करोगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उसको मैं अगले वीक लेने वाला हूं जरूर से। तो बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको पसंद होगी, आपने इस वीडियो से कुछ यू नो एक इंटरेक्टिव फील करा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना है बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को यू नो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सके एंड इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।